फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बिगनर्स मेकअप के बारे में कि आप शुरुआती मेकअप कैसे करें। तो गाइस चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम बिगनर्स मेकअप। तो गाइस हम बिगनर मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये है गुड वाइब्स से रोजिप का टोनर। तो गाइस सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे टोनर अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से। इसको ऐसे टैप टैप करें जिससे कि आपके सारे ओपन पोर्स वो सारे फिल हो जाएंगे। तो गाइस उसके बाद चलते हैं हम, ये भी है गुड वाइब से सेफ्रॉन क्रीम। तो ये है मॉइस्चराइजर के लिए। गाइस नेक एरिया कवर करना ना भूलें। तो गाइस मॉइस्चराइजर हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, इससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है। तो गाइस उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्राइमर पे। प्राइमर के लिए है मेरे पास इनसाइड से ये प्राइमर है 3-in-1। ये ऑयल फ्री है गाइस। तो गाइस प्राइमर से भी आपके सारे ओपन पोर्स फिल हो जाते हैं। तो गाइस हमारी स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग और टोनर दोनों ही बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइजर से हमारी स्किन बहुत हाइड्रेट रहती है और प्राइमर से जो हम मेकअप फाउंडेशन या कंसीलर यूज करते हैं तो उससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनता है और हमारे फेस पे एक लेयर आ जाती है जिससे कि वो मेकअप हमारे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। तो गाइस उसके बाद हम चलते हैं, हम प्राइमर को गाइस 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हम अपना आई बेस कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे पास है ये मेबिलिन फिट मी से फाउंडेशन। तो मेरा शेड है गाइस 128 वार्म न्यूड। तो गाइस इससे हम अपना आई बेस तैयार कर लेंगे। आप अपना आई बेस गाइस कंसीलर से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ फाउंडेशन से करूँगी। अब गाइस मैं लूँगी एक ब्यूटी स्पॉन्ज। तो मैं ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी। इस पाउडर की हेल्प से हम इसको सेट कर लेंगे। पाउडर के लिए है मेरे पास मेबिलिन न्यूयॉर्क से कॉम्पैक्ट। तो इसको हम पाउडर की हेल्प से सेट कर लेंगे गाइस। तो गाइज इसके बाद आगे चलते हैं हम आई शेडो पैलेट की तरफ। तो गाइज आई शेडो पैलेट के लिए मेरे पास है ये SFR का आई शेडो पैलेट। तो 28 शेड में है। तो गाइज मैं आई शेडो पैलेट से अपने आईज को बिल्डअप करने के लिए लूंगी ये शेड। तो गाइज हम अपनी आईज को बिल्डअप करेंगे। गाइस ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, जितना आप ब्लेंड करोगे आई मेकअप उतना ही अच्छा दिखेगा। तो गाइस मैं आई शेडो पैलेट से अपने आईज को बिल्डअप करने के लिए लूँगी ये शेड। तो गाइस हम अपनी आईज को बिल्डअप करेंगे। गाइस ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, जितना आप ब्लेंड करोगे आई मेकअप उतना ही अच्छा दिखेगा।
तो गाइज देख सकते हैं हमारा आई शेडो हो गया है कम्प्लीट। और गाइज मैंने बहुत सिंपल आई शेडो रखा है क्योंकि बिगनर्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आईलाइनर की तरफ। तो मैंने मेबलिन न्यूयॉर्क से लिया ये आईलाइनर, जेल आईलाइनर, और इसका शेड है मेरे पास 01 ब्लैक। तो गाइज चलिए आईलाइनर को अप्लाई कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मैंने बहुत ही सिंपल आईलाइनर रखा है। तो गाइस देख सकते हैं मैंने बहुत ही सिंपल आईलाइनर रखा है। गाइस मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया आप देख सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं गाइस फेस मेकअप पे। फेस मेकअप के लिए मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी से है मेरे पास ये फाउंडेशन। तो गाइस अब हम फाउंडेशन लगा लेंगे। गाइज नेक एरिया को कवर करना आप ना भूलें। तो मैं एक ब्यूटी स्पॉन्ज के हेल्प को टैप टैप करके फाउंडेशन लगा लूंगी अपना। तो गाइस देख सकते हैं मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया है ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से और मैंने अपना नेक एरिया भी कंप्लीट कर लिया है। ये कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्ट्रे क्विकी से है, देखिए गाइस लिक्विड कंसीलर। अगर गाइस आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन की ही डबल लेयर लगा सकते हैं। आपको अपने अब गाइस कंसीलर को मैं सेम ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लाइंड कर लूंगी।
तो गाइज हम अपने फाउंडेशन को अपने कंसीलर को सेट करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क से कॉम्पैक्ट पाउडर। तो गाइस देख सकते हैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से हमने अपने मेकअप को सेट। तो गाइस हम काजल लगाना भूल गए थे, तो ये एस्क्यूज है काजल, तो हम गाइस अब काजल लगाएंगे। तो गाइस अब हम एक क्लीन ब्रश लेंगे जिससे अपने जो हमारा एक्सेस पाउडर है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो गाइस उसके बाद चलते हैं हम अपनी आईब्रो पे यूज कर रही हूँ मैं गाइस ये फ्लोरिडोरा से आईब्रो पेंसिल। तो पहले मैं स्पूली की हेल्प से इसको सेट कर लूंगी। ये मेरे पास गाइस ब्राउन कलर है। देख सकते हैं गाइस इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आईब्रो भी सेट कर लूँ। मैंने अपनी आईब्रो को सेट कर लिया है, उसके बाद चलते हैं मस्कारा की तरफ। तो गाइस ये है पर्पल से मस्कारा, तो मस्कारा यूज़ कर लेते हैं। तो गाइज देख सकते हैं हमारा मस्कारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद गाइज जो मैंने अपनी आईज को बिल्डअप करने के लिए कलर लिया था उसी कलर से मैं अपनी आई के नीचे कलर को ब्लेंड करूंगी। तो गाइस देख सकते हैं मैंने अपनी आई को भी नीचे कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस अब चलते हैं हम कॉन्टोरिंग की तरफ, और कॉन्टोरिंग के लिए मेरे पास है ये हाफ एंड हाफ से कॉन्टोरिंग स्टिक। अपनी नोज को कॉन्टोर कर लेंगे गाइस। अपने फॉरहेड को भी कट कर लेंगे। तो गाइज आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं या आप कोई ब्रश यूज कर सकते हैं, तो मैं ब्यूटी स्पॉन्ज ही यूज करूंगी।
गाइस इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करते हैं। तो गाइस नोज कंटूरिंग को मैं अपने हाथ से करूंगी। तो गाइस ये हो गई मेरी कंटूर। तो गाइस शुगर से है ब्लशर, मैं शुगर से ब्लशर यूज कर रही हूँ। सकते हैं मेरा ब्लशर थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, तो आप ब्यूटी स्पंज की हेल्प से भी इसको लाइट कर सकते हैं। इसको ऐसे टैप टैप करिए, देखिए गाइस। इसके बाद चलते हैं गाइस हाइलाइटर की तरफ। हाइलाइटर के लिए मेरे पास है गाइस ये स्विस ब्यूटी से हाइलाइटर। हाइलाइटर से गाइस हमारे फेस पे एक अलग ही शाइन आ जाती है। गाइस नोज को कंट्रोल करने के लिए मैं अपने हाथ का यूज करूंगी, अपनी फिंगर का यूज करूंगी। देख सकते हैं गाइस। तो गाइस इसके बाद यूज करेंगे हम ये एनवेवी से है मेकअप फिक्सर। तो गाइस ये हमारे मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसको आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से टैप टैप कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद चलते हैं मेन पार्ट पे जो कि लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए गाइस ये है मेरे पास एन वाई वे से ये लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक। तो गाइस देखिए मैंने अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।